तो आज है 15 अगस्त और इंडिया में इंडिपेंडेंस डे। आज के इस खुशी के मौके पे हम बात करने वाले हैं। एक मिनट, ये स्कूल के स्पीच की तरह क्यों लग रही है? खैर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमे दुनिया में छुपी कुछ इंडियन रेफरेंसेस के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले घंटा दबा दो। पहले तो ऐसा एनीमे जो की पूरा अखंड इंडियन स्टोरी के ऊपर ही बेस्ड है, जो कि ये पहले तो 1993 के रामायण, जो कि रामायण की स्टोरी का एनीमे अडेप्टेशन है और ऑब्वियसली बेटर देन आदिपुरुष। खैर, अगला एनीमे है 2021 में आया हुआ बर्निंग कबड्डी, जो कि इंडिया के ही फेमस गेम कबड्डी के ऊपर बेस्ड है। आई गेस तुम सभी ने ये खेल कभी ना कभी तो खेला ही होगा, अगर तुम्हारे पास भी दोस्त होंगे तो। खैर, अब कुछ इंडियन रेफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जहां सबसे पहले आता है हमारा नेरुतो, जिसमें एज ऑफ 6 पर हागोरो मोसुसुके के दो बेटे थे, इंद्रा और असुरा, और ये दोनों इंडिया के हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। जहां इंद्रा गॉड ऑफ थंडर और देवास के राजा को दर्शाता है, वही असुरा डेमन्स को दर्शाता है। साथ ही नारुतो में जो एनर्जी है उसे चक्र कहा जाता है, और इंडियन योगा में चक्र बॉडी के सेंटर के एनर्जी को माना जाता है। फिर अपोक्रिफा में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम था कर्ण, जो कि महाभारत का एक कैरेक्टर है। साथ ही फेट यूनिवर्स में हमें अर्जुन को भी दिखाया जाता है। जोजोस बिजार एडवेंचर के एक सीन में सारे मेन कैरेक्टर्स इंडिया के कोलकाता और वाराणसी से गए थे, और पता नहीं क्यों पर इसमें इंडिया को थोड़े गरीब दिखाए गए हैं। मैं गरीब हूँ। खैर, इसे छोड़ के बाकी इसमें इंडिया को काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। साथ ही क्रोसजी यानी ब्लैक पटलर में भी हमें इंडियन रेफरेंस देखने को मिलता है, और जितना मैंने देखा है सबसे ज्यादा इंडियन रेफरेंस हमें इसी एनीमे में ही देखने को मिला है, क्योंकि इसमें पूरा एक आर्क इंडियन बटलर आर्क पूरा इंडिया के ऊपर ही बेस्ड है, जिसमें हमें बंगाल के प्रिंस सोमा और उनके बटलर अग्नि को देखने को मिलता है, और ये दोनों कैरेक्टर सीजन 4 तक भी अभी तक ही टिके हैं। उबेरा नाम का मांगा भी इंडियन रिलीजन से काफी इंस्पायर्ड है, जिसके बहुत से नाम और प्लेसेस हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से लिया गया है। साथ ही इसमें यक्षगान, गॉड विष्णु और गॉड शिवा का भी रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। साथ ही फूड वॉर्स में हमें कोजी भारुता करी नाम का एक फेमस तमिल करी दिखाया जाता है, और गेमर्स एनीमे में हमें 3 इडियट्स का रेफरेंस देखने को मिलता है, और ये चीज मेरे लिए फुल्ली अनएक्सपेक्टेड था। वर्जक मांगा में हमें कुशन एम्पायर देखने को मिलता है, जो कि एक हिस्टोरिकल इंडियन एम्पायर से इंस्पायर्ड है। साथ ही इसमें सिलर नाम का एक कैरेक्टर इंडियन वॉरियर से इंस्पायर्ड है, और हिगुरासी वेन देख रहा है एनीमे में हमें सभी फ्लैग के साथ यहाँ इंडियन फ्लैग भी देखने को मिलता है। फेरी टेल में इक्लेयर नाम का एक कैरेक्टर ट्रेडिशनल इंडिया क्लॉथेस में अपीयर हुई है, और एंटे गर्लफ्रेंड में मिजुहारा का एक इंडियन साड़ी वाला लुक भी हमें देखने को मिला है। और हमारा अनदर एनीमे है अनदर, जिसमें हमारा एमसी का बाप इंडिया में रहता है, हमें ये देखने को मिला है। और अनदर की बात मत ही करो, छाता निकलने से पहले मैं आज भी 4 बार सोचता हूँ। कोड गेम्स में हमें रक्षाता चावला नाम की एक इंडियन साइंटिस्ट देखने को मिलती है, और जितना मुझे याद है इसमें हमें चाइनीज आर्मी को भी दिखाया जाता है, और साथ ही अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन में हमें कुछ इंडियन पीपल को दिखाया जाता है। फिर इसके साथ कुछ इंडियन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डिजिमोन में एक कैरेक्टर है ऐश्वर्य राय, जो कि फेमस इंडियन एक्टर ऐश्वर्य राय से इंस्पायर्ड है। इसे मुझे वो वाला मीम याद आ गया, अगले दिन अपने मोहल्ले में डायनासोर किंग के एपिसोड 33 में इंडियन प्रिंसेस मीना को दिखाया गया था, और ये एपिसोड मुझे आज भी याद है। मैंने इसे टीवी में बचपन में देखा था, जिसमें गंगा नदी और भी कई अलग अलग इंडियन कल्चर हमें दिखने को मिलता है। फिर हायात है द कॉम्बैट बैटल में हमें सारना आलगीर नाम के एक इंडियन कैरेक्टर देखने को मिलती है। साथ ही काले से काला डार्कर देन ब्लैक में अमिता कपूर नाम का एक इंडियन कैरेक्टर देखने को मिलता है। ब्लैक लगन में हमें जानेट भाई नाम का एक इंडियन बहन देखने को मिलती है। ये जापानी लोग भाई बहन कुछ नहीं मानते। साथ ही नो बुनागन नाम का एक एनीमे में हमें महेश मिर्जा नाम का एक इंडियन कैरेक्टर देखने को मिलता है, और हेटले एनीमे में जिसमें सभी कंट्री का रेफरेंस है उसमें भी हमें एक इंडियन कैरेक्टर देखने को मिलता है। और एट द एंड रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनीमे में हमें इंडियन गॉड्स देखने को मिलते हैं,
इसे मैंने एंड में बोला क्योंकि ये एनिमी मोस्ट ऑफ कंट्रीज में बैन है। क्यों? खुद देख लो और जान जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। तो आज का वीडियो हम यही रोकते हैं और मैं गया झंडा लहराने और सेव बिंद खाने।